हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ सरिता और सरिता ओरान की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको कुछ बोलने जा रही हूँ। यार मैं बहुत मतलब बहुत बोलने से भी बहुत ही दुखी हूँ गाइस, क्योंकि आप सब भी जानते हो, एक तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, उसके ऊपर से जो सब्सक्राइब किया हुआ इंसान भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे क्यों करते हो गाइस? अगर ऐसे ही करना है तो करो ही मत यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, ऐसे क्यों करते हो? एक तो ऐसे व्यूज नहीं आते, एक तो आज ऐसे भी मैं वीडियोज नहीं बना रही थी, मुझे मन ही मर गया था। एक तो व्यूज नहीं आती है, उसके ऊपर से सब्सक्राइब करने के बाद भी फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो आप सब, तो ऐसे मत करो यार। मैंने आज यही सोच सोच के, पता है आज मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, सुबह से मैंने वीडियो बनाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाई मैंने। मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, रहने दो, बनाती नहीं मैं, अब व्यूज भी नहीं आते, एक तो सब्सक्राइब किया हुआ इंसान भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ऐसे क्यों करते हो यार? ऐसे मत किया करो। फिर पता है शाम को हुआ, फिर मुझे मन लगा यार नहीं रहने दो यार, बनाती हूँ बोल के। फिर अभी कितना बज रहा है? 7:10 है, 7:10 है। मैं बिल्कुल सुबह से एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, अभी फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो बोल के फिर मैंने बना ली। मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे चल के क्या होता है। पर प्लीज़ यार ऐसे मत क्या करो, जो भी हो जो भी है, अगर आप सबको नहीं इच्छा करता है सब्सक्राइब करने तो मत क्या करो, पर ऐसे करने के बाद अनसब्सक्राइब मत क्या करो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ गाइस ऐसे मत क्या करो आप सब। मन बहुत दुखता है, मन बुरा लगता है, एक तो व्यूअर्स नहीं आते, उसके ऊपर से आप सब सब्सक्राइब करने के बाद भी अनसब्सक्राइब करते हो, तो बिल्कुल बनाने की जो हिम्मत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे मत क्या करो, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है आप सबसे। और तो क्या बोलो, आप सब इतना समझदार हो, हर कोई, आप सब इतना बड़े बड़े यूट्यूबर को इतना सपोर्ट करते हो, तो यार छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट किया करो ना, छोटो छोटे जो क्रिएटर है वो सबको भी सपोर्ट करो यार। आप सब सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे यार, आप सब भी सपोर्ट नहीं करोगे उल्टा ऐसे कर दोगे आप सब, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। हमें भी तो कुछ इच्छा होगी, हम भी कुछ बनाना चाहते होंगे, हम भी सोचते होंगे कि हाँ चलो कुछ बने कुछ करे, पर उससे पहले ही आप सब हमें ऐसे तोड़ के रख देते हो। प्लीज़ गाइस ऐसे मत करो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप। है बुक्कड़ इंसान, इनको अभी टाइम हुआ है 7:30, देख सकते हो 7:30 बजाए, लेकिन इनको अभी से भूख लग रही है, इनको डिनर की अभी से खाने का मन कर रहा है, बोल रहे अभी से भूख लग रही है। तो इतना बुक्कड़ है ये इंसान, इतना बुक्कड़ है, देख सकते हो बुक्कड़ को, कितना खाते रहते हो बताओ। ये रहा गाइस, ये है बन रही है हमारा डिनर, पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइपू। कौन कौन खाते हैं टाइपू, किस किस को पसंद है टाइपू, प्लीज कमेंट करना गाइस। ये है टाइपू, यहाँ दिखा दो ये। तो गाइस हमारा टाइपू रेडी हो गया है और दो मिनट पकने की बारी है। वैसे तो सारा रेडी हो गया है, पक गया है, फिर भी और 2 मिनट रखते हैं, देखते हैं दिखाते हैं कितना बड़ा बड़ा हुआ है। आप सभी ट्राई करना, मज़ा आता है खाने में टाइपू। मोमोज तो खाए होंगे सब कोई नहीं, पर टाइपू किसी ने नहीं खाया होगा, बहुत मज़ा आता है खा के, देखना गाइस एक बार जरूर। तो गाइस ये रहा हमारा, ये है टाइपू, देख सकते हो ये टूट गया थोड़ा थोड़ा, इसे बोलते हैं टाइपू, कितना बड़ा है देख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा है,
मैंने बिना बेला हुआ बनाई इसीलिए ऐसे हो गई। वैसे बेलते भी हैं पर मैंने नहीं बेला, जान की बेलन नहीं किया, देख सकते हो गाइस। किस किस को पसंद आता है टाइपो प्लीज कमेंट कीजिएगा प्लीज, और बताइएगा किस किस को टाइपो अच्छा लगता है प्लीज। देख सकते हो आप सब भी एंजॉय कीजिए, खा लीजिए प्लीज हमारे साथ। बहुत टेस्टी बना है, देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट ब्रेड की तरह है, ये बिल्कुल ब्रेड की तरह हुआ है गाइस। तो गाइस आप सबको पता है कि मैं खाना खाने के बाद ऊपर आ जाती हूँ छत में, तो ये देख सकते हो इधर और फ्लाइट भी जा रही है, ये रहा देख सकते हो फ्लाइट स्पाइस जेट जा रही है, स्पाइस जेट दिख रहा है, तो देख सकते हो गाइस। रात को खाना खाने के बाद एक बार वॉक करना बनता है तो मैं छत पे आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। ये रहा गाइस कितना अच्छा नज़ारा दिख रही है ना यहाँ से, देख सकते हो ये गुड़गांव, गुड़गांव का वो आगे दिख रहा है मॉल, गुड़गांव का मॉल यहीं से दिखता है, गुड़गांव का मॉल है ना पापा, यहाँ से दिखता है वो, देखो गुड़गांव का लाइट जल रही है आज मॉल का। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको कैसे लगा, आपने जो ब्लॉग देखा था, मैं आज सोच रही थी कि मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, पर फिर भी मैंने शाम को मैंने स्टार्ट की, मैंने शाम को बनाई क्योंकि दिन में मैं कंफ्यूज हो गई थी यार, सब्सक्राइब करने के बाद भी अनसब्सक्राइब कर देते, एक तो व्यूवर्स नहीं आते, उसकी वजह से भी मैं बिल्कुल वो हो गई थी, मतलब मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, मैं सोच रही थी बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं यार रहने दो चलो बनाती हूँ, फिर मैंने बनाई यार। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए हमें भी, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा प्लीज़ गाइस। हमारा वीडियो पसंद आई है आप सबको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ और एक बात, जो हमने बनाई थी टाइपो, जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, यहाँ के लोग सुने नहीं होंगे टाइपो, पर हमारी उधर दार्जिलिंग के लोगों, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लोग तो ये सब खाते रहते, उधर होता रहता है ये टाइपो, तो जो जो टाइपो खाते हैं, जिसको टाइपो पसंद है वो सब प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ठीक है गाइस। कैसे लगा टाइपो, कैसे लगती है टाइपो, आप सबको तो पता ही है कितना टेस्टी होती है टाइपो, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट तो बनता है ना, एक कमेंट ज़रूर कीजिए ठीक है, टाइपो कैसे लगता है आप सबको। तो आज हमने डिनर में आज बनाए थे टाइपो, तो बहुत ही मस्त बना, मैंने सोचा भी नहीं था अच्छा बनेगा, पर बहुत ही टेस्टी बनाया, ताकि मैंने बिना बेलन की बनाई, आज हाथ से ही बनाई, मैंने सोचा आज बिना बेले बनाती हूँ कैसे होता है, पर बहुत ही अच्छा बना था और इतना सॉफ्ट बना था बिल्कुल ब्रेड की तरह, बहुत मज़ा आया। तो क्या बोलूँ, आज का वीडियो देख ही लिया, मैं बनाऊँगी बोलते हुए भी मैंने बना ली, तो मिलते हैं हम आप फिर से कल नेक्स्ट ब्लॉग पे ठीक है गाइस। मत भूलना हमारा चैनल को देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए मत भूलना गाइस प्लीज़ ठीक है, हमें इतना ही प्यार देना जितना आप सब देख रहे हो लाइक करते हो, तो प्लीज़ इसी तरीके से हमें आगे भी जाके और प्यार देना प्लीज़ गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।